रियलमी नार्जो 50 Pro 5G स्मार्टफोन, इसमें एक और अपडेट आ चुका है C13, जो कि 1.16 GB का एक अपडेट आया था और मैंने अपने स्मार्टफोन को अपडेट कर लिया है। आज की वीडियो में हम BGMI पर बैटरी ड्रेन टेस्ट करते हैं कि हमारे स्मार्टफोन की बैटरी कितने टाइम में ड्रेन होती है। लास्ट अपडेट पर भी मैंने ये टेस्ट परफॉर्म किया था, लास्ट टेस्ट से भी कंपेरिजन करेंगे और देखते हैं कि हमें क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। स्मार्टफोन की ब्राइटनेस मैं मैक्सिमम रखूँगा और मैं आपको एक बार गेम्स की सेटिंग्स भी दिखा देता हूँ। स्मूथ एक्सट्रीम पर मैं गेम प्ले करने वाला हूँ और अब हम टाइमर लगा के गेम स्टार्ट करते हैं अपना। तो टाइमर हमने स्टार्ट कर दिया है और हमारा गेम भी स्टार्ट हो चुका है। तो 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है और अब चेक करते हैं कि बैटरी में कितना डाउन हमें देखने के लिए मिलता है। तो आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज आ चुकी है हमारी 80% पर। तो 1 घंटे के गेम प्ले पर हमें अभी 20% का डाउन देखने के लिए मिला है। 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और अब दोबारा से हम बैटरी चेक करते हैं और हमारी बैटरी आ चुकी है 58% पर। तो इस बार हमें 22% का बैटरी डाउन देखने के लिए मिला है। 3 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और अब दोबारा से चेक करते हैं बैटरी परसेंटेज। तो आप देख सकते हैं 35% पर आ चुकी है बैटरी। तो इस बार हमें 23% में बैटरी डाउनफॉल देखने के लिए मिला है। 4 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और अब दोबारा से हम बैटरी चेक करते हैं कितने परसेंट पर आ गई हमारी बैटरी, और आप देख सकते हैं कि 13% पर बैटरी आ चुकी है। तो इस बार हमें 22% का बैटरी में डाउन देखने के लिए मिला है। अगर मैं लास्ट अपडेट से कंपेयर करूँ तो 4 घंटे गेम प्ले के बाद हमारी बैटरी आई थी 17% पर और अब आ गई, आप देख सकते हैं यहाँ पर हो गई अब 12%। तो बैटरी में हमें ज़्यादा डाउन देखने के लिए मिला है और आप देख सकते हैं कि बैटल ग्राउंड ने सिर्फ 47% ही बैटरी कंज्यूम की है, बाकी अदर्स ऐप्स भी हैं जिन्होंने बैटरी कंज्यूम की है। अगर मैं लास्ट टाइम से कंपेयर करूँ तो लास्ट टाइम पर हमें मैक्सिमम 1 घंटे में 22% का ड्रॉप देखने के लिए मिला था, लेकिन इस बार हमें 23% का भी ड्रॉप देखने के लिए मिला है। तो अपडेट के बाद बैटरी में मैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं मानता हूँ क्योंकि इस बार मेरे फ़ोन में ऐप्स भी काफ़ी सारे हैं। आपने देखा भी होगा कि सिर्फ 47% ही बैटरी कंज्यूम की है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में चेकआउट करते हैं कि स्क्रीन ऑन टाइम कितना मिलता है अब हमें स्मार्टफोन से, और जल्दी ही मैं अपने स्मार्टफोन को एंड्रॉयड 12 पर डिग्रेड करके भी चेक करता हूँ कि हमें कुछ डिफरेंस देखने के लिए मिलता है या फिर नहीं। काफ़ी सारे टेस्ट की प्लानिंग कर रहा हूँ मैं इस स्मार्टफोन पर, उसके बाद मैं आपको क्लियरली बता पाऊँगा कि आपको एंड्रॉयड 12 से एंड्रॉयड 13 पर अपडेट करना है या फिर नहीं। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।